हमारे पास मई जून 2011 पेपर 11, ठीक है, पेपर वन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हम जो साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, कॉपर टू सल्फेट क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड, कॉपर टू सल्फेट क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सैंड यूजिंग द फोर प्रोसेसेस लिस्टेड बिलो। ठीक है, आपके पास मिक्सचर है किसका, कॉपर टू सल्फेट का और सैंड का। आर सेपरेटेड फ्रॉम सैंड यूजिंग द फोर प्रोसेसेस लिस्टेड बिलो, इन विच ऑर्डर आर दीज प्रोसेसेस यूज्ड। ठीक है, किस ऑर्डर में जो है ये प्रोसेस जो है वो यूज होंगे। जी बेटा, लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, बट ये रिकॉर्डिंग अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो लेक्चर तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो कॉपर टू सल्फेट क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सैंड, ठीक है, इन विच ऑर्डर आर दीज प्रोसेसेस यूज्ड। अब अगर आप देखें इसमें तो डी, जी बेटा, ठीक है जी, करेक्ट आंसर इज डी। डी जो है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपके पास कॉपर टू सल्फेट का और सैंड का मिक्सचर है, सैंड इज इनसॉल्युबल, ठीक है, सैंड इनसॉल्युबल है, कॉपर टू सल्फेट ये सॉल्युबल है। तो सबसे पहले आप इनसॉल्युबल को सेपरेट करेंगे, बट उसके लिए पहले दोनों को डिसॉल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट डिसॉल्विंग देन फिल्टरिंग। तो बाय फिल्टरिंग वी वुड रिमूव सैंड, सैंड रिमूव हो जाएगा, देन टू रिमूव कॉपर टू सल्फेट आपको इवेपोरेशन करनी पड़ेगी अप टू सैचुरेशन पॉइंट एंड एट द एंड वी विल डू क्रिस्टलाइजेशन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ब्रोमीन इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ अ गैस जार, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ये गैस जार है, ठीक है, लेट्स से ये गैस जार है, इसमें आपने लिक्विड ब्रोमीन जो है, सपोज दिस इज लिक्विड ब्रोमीन, तो अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ब्रोमीन इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ अ गैस जार, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन वेपर स्लोली स्प्रेड थ्रू द कवर्ड गैस जार, ठीक है। तो ये आपका गैस जार कवर्ड था और थोड़ी देर में इसके फ्यूम्स जो है वो पूरे गैस जार में मौजूद होंगे, ठीक है। तो स्लोली स्प्रेड थ्रू द कवर्ड गैस जार, व्हाई डज दिस हैपन जी, ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल। अच्छा, अब इसके अगर चारों ऑप्शन हम देखें, ब्रोमीन वेपर इज लेस डेंस देन एयर, ये तो ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, ब्रोमीन इज मोर डेंस देन एयर। ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स इन एयर आर ऑलवेज मूविंग अराउंड, यस, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स, और ऑल्दो ब्रोमीन इज हैवियर देन एयर, बट स्टिल ये आप कह लें कि पूरी जार को ऑक्यूपाई करेगी, उसका रीजन क्या है कि ये आप कह रहे हैं कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, एयर के पार्टिकल्स की भी काइनेटिक एनर्जी है, तो ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी दे आर ऑलवेज मूविंग अराउंड एंड दे विल ऑक्यूपाई और दे विल स्लोली स्प्रेड थ्रू द कवर्ड गैस जार। तो ऑप्शन बी ये करेक्ट हो सकता है। सी को अगर देखें तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर देन द मॉलिक्यूल्स इन एयर, अगेन रॉन्ग आंसर, ब्रोमीन मॉलिक्यूल मूव फास्टर देन द मॉलिक्यूल्स इन एयर, नो, ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स आर हैवियर, दे मूव स्लोअर, ठीक है, ये स्लो मूव करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर जी। क्लियर है ये बात सबको? जी, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? जी सर, क्लियर हो गया। द डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट विद एक्वस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये आपके पास एक्वस अमोनियम क्लोराइड है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, इसमें आपने कोई सॉल्यूशन ऐड किया है एक्स, ठीक है, अब ये कह रहे हैं अ गैस वाई इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जब आपने अमोनियम क्लोराइड में सॉल्यूशन एक्स ऐड किया है तो गैस वाई प्रोड्यूस हो रही है, ये गैस वाई के बबल्स हैं, ठीक है, तो अ गैस वाई इज प्रोड्यूस्ड एंड द लिटमस पेपर चेंजेस कलर, व्हाट आर द सॉल्यूशन एक्स एंड वाई, सॉल्यूशन एक्स एंड वाई क्या हो सकते हैं, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड में आप जब ऐड करेंगे सॉल्यूशन एक्स तो ऑब्वियसली अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, एंड सॉल्ट में अगर आपने गैस प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए आपको कोई बेस ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपने सॉल्ट प्लस बेस वाला रिएक्शन पढ़ा हुआ है एसिड बेस के अंदर, सॉल्ट प्लस बेस, अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस, अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस मेक्स अनदर सॉल्ट, तो इफ वी ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस विल प्रोड्यूस दैट वुड बी अमोनिया गैस, जो कि मॉइस्ट लिटमस पेपर को
कलर चेंज करेगी, ठीक है जी। तो यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, नॉट बी, बी करेक्ट आंसर नहीं, ठीक है जी, क्लियर है ये। जब आप अमोनियम क्लोराइड में, चले मैं रिएक्शन भी लिख देता हूँ यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जब आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, वी गेट सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया गैस, एंड अमोनिया इज अ बेसिक गैस, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, प्लस इसमें वाटर बनेगा। हाँ जी, क्लियर है ये बात आप सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है कंटेन्ड इन 72 ग्राम्स ऑफ प्योर वाटर। ये सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो 72 ग्राम्स ऑफ प्योर वाटर मास ऑफ ऑक्सीजन, जी करेक्ट आंसर है इसका 4 का सी। ये सबको क्लियर है? आपने जस्ट रेशियो बना लेना है कि वाटर का अगर हम मास देखें तो वाटर का मास है 18 ग्राम्स, ठीक है, वाटर H2O 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, इट कंटेन 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो 72 ग्राम वाटर में कितने ग्राम ऑक्सीजन होगी, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 64 वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक बेटा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई चीज समझ में ना आए तो काइंडली पूछ लीजिएगा, मैं उसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट टेस्टेड अ सॉल्यूशन बाय एडिंग एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अ स्टूडेंट टेस्टेड अ सॉल्यूशन बाय एडिंग एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, a precipitate was not seen because the reagent was added too quickly, a precipitate was not seen because the reagent was added too quickly, what could not have been present in the solution, theek hai ji, answer hai iska b, correct answer hai Ca2+, theek hai, ab jinko clear hai unke liye theek hai, jinko clear nahi hai unko thoda sa explain kar dun। इसमें ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट टेस्टेड अ सॉल्यूशन बाय एडिंग एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एनएओएच ऐड किया, अ पीपीटी वाज नॉट सीन, अ प्रेसिपिटेट वाज नॉट सीन बिकॉज़ द रिएजेंट वाज एडेड टू क्विकली, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि फर्स्ट वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स, क्या टाइम के टेस्ट में क्या होता है, पहले आप फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हैं, पीपीटी बनते हैं, देन वी ऐड एक्सेस, पीपीटी डिसॉल्व हो जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पीपीटी बने ही नहीं, उसकी वजह क्या है, बिकॉज वी एडेड इट टू क्विकली, नॉर्मली एक्सेस में जब आप ऐड करते हैं PPTs dissolve हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि PPTs was not being was not seen because the reagent was added too quickly. What could not have been present in the solution? तो हमने सिंपल ये देखना है कि इसमें ऐसा कौन सा आयन है जो एक्सेस में भी या अगर बहुत क्विकली भी ऐड किया जाए तो भी प्रेसिपिटेट देगा, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट नहीं बने हैं। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा आयन यहाँ नहीं हो सकता, जो PPT देगा वो नहीं हो सकता। अब देखें Al3+ एंड Zn2+, these two are amphoteric, ठीक है, तो ये NaOH में एक्सेस में दे गेट डिसॉल्व, ठीक है, एल्यूमिनियम भी एक्सेस NaOH में डिसॉल्व हो जाता है, एल्यूमिनियम गेट डिसॉल्वड इन एक्सेस NaOH, जिंक गेट डिसॉल्वड इन एक्सेस NaOH। तो अगर आप NaOH तेजी से ऐड करेंगे, ठीक है, इफ NaOH इज एडेड टू क्विकली, आपको एल्यूमिनियम और जिंक में प्रेसिपिटेट नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से अमोनियम आयन्स में अगर NaOH ऐड किया जाए तो यहाँ पे सिर्फ अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है, नो PPTs, ये भी कोई प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस नहीं करता, नो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस, द ओनली आयन प्रेजेंट हियर दैट इज कैल्शियम, दिस गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट, आइदर वी एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH, आइदर वी एड एक्सेस, और वी एड इट टू क्विकली और टू स्लोली, दिस वुड गिव PPT। तो ऑब्वियसली कैल्शियम आयन यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कैल्शियम आयन होते तो प्रेसिपिटेट वुड बी आप कह लें कि विजिबल, प्रेसिपिटेट आपको मिलते हैं यहाँ पे ये कह रहे हैं प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहे, और फिर कह रहे हैं कि कौन सा आयन नहीं हो सकता, तो कैल्शियम आयन नहीं हो सकता, बिकॉज अगर कैल्शियम होता तो दिस वुड डेफिनेटली गिव PPT। तो 5 जो है, हाँ बेटा 5 पे हूँ मैं अभी, 7 पे नहीं आया, तो 5 जो है इसका आंसर है करेक्ट आंसर बी, जी क्लियर है सबको 5? Yes. ठीक है जी, नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द कोवेलेंट बॉन्ड, लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द कोवेलेंट बॉन्ड, यस आंसर इज ए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर आप देखें C2H4 इथीन है,
इथीन के केस में C2H4, दिस इज इथीन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है। CO2 में अगर आप काउंट करें तो CO2 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 2, 4, 6, 8, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। CH3OH, 1 CH3OH, तो 2, 4, 6, 8 और 10, CH3OH में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और N2 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, 2, 4, 6, दिस गिव्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इज इन C2H4, 12 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन C2H4, सो करेक्ट आंसर इज C2H4। ऑलराइट, आसान सा क्वेश्चन था ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर अ लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयन इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, तो ये तो सिंपल मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड मेटल्स में होगा, तो यस डेफिनेटली मैग्नीशियम इज द आंसर, तो 7 का डी आंसर है, ठीक है। विच एलिमेंट, विच स्टेटमेंट अबाउट बोथ क्लोरीन एटम्स एंड क्लोराइड आयन इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट बोथ क्लोरीन एटम्स एंड क्लोराइड आयन आर करेक्ट, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यस, क्योंकि एटम हो या आयन हो, इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सिमिलर होंगे, ठीक है, तो दे हैव सिमिलर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 8 का सी। देन 9, एलिमेंट एक्स हैज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 285, मींस एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप 5, एलिमेंट वाई हैज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 287, मींस दिस बिलोंग्स टू ग्रुप 5 एंड दिस बिलोंग्स टू ग्रुप 7, तो 5 एंड 7 कंबाइन हो रहे हैं। वाई, व्हाट इज द लाइकली फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग एक्स एंड वाई, X and Y, X belongs to group 5, Y belongs to group 7, that means they would form covalent compound, they would form covalent compound, and Y because it belongs to group, X belongs to group 5, that means it belong, it makes 3 bonds, so X, jo hai ye 3 bond banayega, Y, each Y would make 1 bond, so ye 3 Y jo hai wo X ke saath attach ho jayenge, so the formula would be XY3, theek ho gaya? A covalent bond is formed by G, 10 ka B, electron sharing between non-metals, 10B, electron sharing between non-metals, theek ho gaya, chale ji, next question hai, the equation for the reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid is shown, calcium carbonate reacting with hydrochloric acid, how many moles of calcium carbonate will give 24 cm cube of carbon dioxide, moles of calcium carbonate find out karne, aapne iske moles find out karne, volume given hai, kitna volume produce ho raha hai, 24 centimeter cube, when reacted with an excess of an acid, assume 1 mole of carbon dioxide occupies 24 dm cube, to again molar ratio lag jayega, theek hai ji, to hame ye malum hai, कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 24,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सो 24 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो आंसर वुड बी 0.001, 11 का आंसर है डी जी। बेटा यहां तक सबको क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, डेंसिटी का कोई काम नहीं है एम्पेरिकल फॉर्मूला में, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जरूरत पड़ती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल, नो, सो वी नीड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड, यस, एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन की जरूरत पड़ेगी आपको। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13, the diagram shows the electrolysis of molten lead to bromide using inert electrodes, theek hai ji, ye inert electrodes hai, molten lead to bromide ki electrolysis hai, what happens during this electrolysis, ji kya ho raha hai isme, atoms changes to ion, covalent bonds are broken, ions changes to atoms, yes, ions changes to atoms,
बिकॉज सोल्यूशन में लेड आइंस होंगे और ब्रोमाइड आइंस होंगे. लेड आइंस वुड बी कन्वर्टेड इनटू लेड, ब्रोमाइड आइंस वुड बी कन्वर्टेड इनटू ब्रोमीन गैस. तो हम सिंपल कह सकते हैं कि एटम्स आइंस चेंजेस टू एटम्स. 13C. ठीक है जी. Alright, next है. Which pair of metal X and Y will produce the highest voltage when used as electrodes in a simple cell? तो highest voltage कब होगी? जितना ज़्यादा difference of reactivity होगा. तो सबसे ज़्यादा difference of reactivity कहाँ पे है? Between magnesium and silver. Magnesium and silver में reactivity का difference सबसे ज़्यादा है. तो B is the correct answer. The energy profile diagram for the reaction between hydrogen and chlorine is shown. What information about this reaction does the diagram show? Type of reaction, reactants ki energy high hai, products ki energy low hai, that means ke exothermic hai, ya to C hoga ya D hoga. And sign of enthalpy change, exothermic mein enthalpy change ka sign kya hota hai? Negative, to answer is C. Theek hai, 15. The following changes could be made to the conditions in the reaction between zinc and hydrochloric acid. Increase in concentration of the acid, increase in particle size, increase in pressure. Dekhe, reaction kiske darmiyan hai? Between zinc and hydrochloric acid. And increase in temperature of the system. Which pair of changes will increase the rate of reaction? Which pair of changes will increase the rate of reaction? Obviously, increase in concentration will increase the rate of reaction. Increase in particle size, no. Particle size badega, rate of reaction kam ho jayega. Increase in pressure on the system. Ye third wala kyun nahi hai? Why not three? Ye kyun nahi ho sakta? Yes, no gas present. Koi gas maujood nahi hai, that's why pressure ka koi effect नहीं होगा. ठीक है, प्रेशर हैज नो इफेक्ट, बट इंक्रीजिंग टेम्परेचर वुड हैव इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. तो बी आंसर हो जाएगा 1 and 4. द इक्वेशन शोज व्हाट हैपेंस इन अ रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन आयरन 2 क्लोराइड एंड क्लोरीन गैस. व्हिच इक्वेशन डिस्क्राइब्स द रिडक्शन प्रोसेस इन दिस रिएक्शन? यस, रिडक्शन प्रोसेस को कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है? अगर हम देखें तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 से +3, क्लोरीन 0 से -1. सो क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है. एंड व्हिच इक्वेशन इज शोइंग द रिडक्शन? यस, बी. बी में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं. Cl2 गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम 2Cl-. सो दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीन्स दिस इज रिडक्शन. सो बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है जी, 17 क्लियर है बेटा सबको? Which acid and base react together to produce an insoluble salt? Insoluble salt बनाना है. Hydrochloric acid and sodium hydroxide अगर react करते हैं, let's say sodium hydroxide and hydrochloric acid, we get sodium chloride which is सॉल्युबल. तो ये तो नहीं हो सकता. नाइट्रिक एसिड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, HNO3 रिएक्ट्स विद कैल्शियम ऑक्साइड, दिस गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट. ये भी नहीं हो सकता. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड बैरियम हाइड्रोक्साइड. बैरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है. देखें, पीपीटी बनाने के लिए आपको दो सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए होते हैं या दो सॉल्युबल सब्सटेंस चाहिए होते हैं. तो ये दोनों सॉल्युबल हैं. व्हेन बैरियम रिएक्ट्स विद SO4 दिस गिव्स बैरियम सल्फेट व्हिच इज इनसॉल्युबल. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है जी, सल्फ्यूरिक एसिड एंड बैरियम हाइड्रोक्साइड दे विल रिएक्ट टू गिव एन इनसॉल्युबल सॉल्ट. ठीक है जी, नेक्स्ट है. अ सॉल्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर वाज टेस्टेड एज शोन. ये आपके पास कोई फर्टिलाइजर है. सबसे पहले हमने क्या किया? एड एक्सेस एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड वी गेट ग्रीन पीपीटीज फॉर्म.
आपने फर्टिलाइजर में NaOH ऐड किया, ग्रीन पीपीटी बने, ग्रीन पीपीटी बने, दैट मींस इट कुड बी ए और इट कुड बी सी, Fe2+ जिसमें आ रहा था, या तो ये ए है या फिर ये सी है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आपने क्या किया है, देन वी वार्म द मिक्सचर, ऑन हीटिंग द मिक्सचर मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, सो दैट मींस दिस इज अमोनियम आयन, ठीक है जी, अमोनियम आयन, बिकॉज अमोनिया को अगर, अमोनियम आयन्स को अगर हीट करते हैं, अमोनिया गैस रिलीज होती है, तो ये दो कैटाइन्स आपके पास मौजूद है, दिस गिव्स, दिस इज ड्यू टू Fe2+ एंड मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर टर्निंग ब्लू, दिस इज ड्यू टू अमोनिया गैस, NH3 गैस, दैट मीन्स वी हैव NH4+ प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। कार्बन एंड सिलिकॉन आर बोथ इन ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दे आर एसिडिक ऑक्साइड, यस CO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड, ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड हैं, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दे आर एसिडिक ऑक्साइड, दे आर रेडली सोल्यूबल, नो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व नहीं होता, दे कंटेन आयोनिक बॉन्ड्स, नो, दे हैव जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ओनली SiO2 हैज जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सो ऑल द थ्री ऑप्शन आर इनकरेक्ट, ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट है, विच कैल्शियम कंपाउंड डज नॉट इंक्रीज द pH ऑफ एसिड, 21 में अगर आप देखें, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, which calcium compound does not increase the pH of acidic soil, yes, इसका आंसर है डी, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट, दिस कैन बी डीकम्पोज इन टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड ये फिर pH को इंक्रीज करेगा, इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये हीट के ऊपर डीकम्पोज हो सकता है, बट कैल्शियम सल्फेट दिस विल नॉट चेंज द पीएच, सो कैल्शियम सल्फेट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा, ये 21 क्लियर है, मैं गलती में आगे चला गया था, 21 क्लियर है सबको, ओके नेक्स्ट 22, व्हिच डिडक्शन अबाउट द एलिमेंट एसिटेटीन कैन बी मेड फ्रॉम इट्स पोजीशन इन ग्रुप 7, सी इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, डिडक्शन about the element astatine can be made from its position in group 7. Astatine, group 7 का सबसे last element है, fluorine, bromine, iodine, astatine. So, it is displaced from aqueous potassium acetide by chlorine. Yes, chlorine can displace astatine because down the group reactivity decreases. So, chlorine is more reactive than astatine, it can displace. It forms covalent compound with sodium, no. Ye ionic compound banayega. It is a gas, no. It is a solid. It is more reactive than iodine, wrong. So, correct answer is C. Which pair of properties are both correct for a typical transition element? Yes, they have high density and they have variable oxidation states. Theek hai? High density and variable oxidation state. Because अगर हम देखें A में they form colored compound, ये correct है, but they are soluble in water, no. Low density, no. Low melting point, no. तो correct answer is D. The diagram represent the manufacture of sulfuric acid by the contact process. What is used in step R? Step R में आप क्या use करेंगे? कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम डायरेक्टली, हमने कहा था कि पानी में डिसॉल्व नहीं करते, फर्स्ट वी एडेड इन H2SO4, दिस गिव्स H2S2O7, देन दिस गेट डिसॉल्वड इन वाटर एंड वी गेट 2H2SO4, तो करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है जी, ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक फॉइल इज प्लेस्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2-सल्फेट, yes, zinc foil is placed in an aqueous solution of copper 2-sulfate. So this would become zinc sulfate plus copper. So zinc has been oxidized. 0 say plus 2. Copper ions are oxidized? No. There is no reaction? No. Zinc atoms are oxidized? Yes. Zinc sulfate is precipitated? No. This is an aqueous solution. So ye bhi incorrect answer hai.
ठीक है जी, सी करेक्ट आंसर हो गया। इन द एपरेटस शोन गैस पी इज पास्ड ओवर सॉलिड क्यू, ये कोई गैस पी है विच इज पास्ड ओवर सॉलिड क्यू, नो रिएक्शन अकर्स इफ पी एंड क्यू आर, yes, if P and Q are hydrogen and magnesium oxide, because if solid is magnesium oxide and gas is hydrogen, hydrogen is less reactive than magnesium, it cannot displace magnesium, ye magnesium ko displace nahi kar sakta, theek hai, it cannot displace magnesium, theek hai ji, baki sab mein agar aap dekhen to hydrogen will react with lead 2 oxide, oxygen will react with carbon, carbon dioxide, oxygen will react with sulfur, so option B is the correct option, 26 ka D. Which element can only be extracted from its ore using electrolysis? Yes, calcium is the highly reactive element. Hame malum hai ki aluminum jo hai, isko hum electrolysis se extract karte hain. And calcium is above reactivity series, above in reactivity in the reactivity series. So कैल्शियम एल्यूमिनियम से मोर रिएक्टिव है, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, सो इफ एल्यूमिनियम को आप इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो देन ऑब्वियसली कैल्शियम भी इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट होगा। स्क्रैप आयरन इज ऑफन रिसाइकल्ड, व्हिच रीजन फॉर रिसाइकलिंग इज नॉट करेक्ट, which reason for recycling is not correct, it reduces the amount of pollution at the site of ore extraction, which reason for recycling is not correct, theek hai, so recycling it reduces the amount of pollution at the site of the ore extraction, this is correct, theek hai, ye unhone kaha not correct, it reduces the amount of waste taken to landfill site, this is also correct, it reduces the need to collect the scrap iron, this is not correct, ठीक है, scrap iron is often recycled, so जब आपने recycle करना है तो collection की need भी बढ़ेगी, ठीक है, तो it increases the need to collect the scrap iron, so option C is not correct, ठीक है जी, option C is not correct, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास, क्योंकि हमें ये बताना है कि which reason for recycling is not correct, हाँ जी, clear है ये बात, 20 सबको clear है? Yes, sir. ठीक है, it saves natural resources. Yes, it saves natural. तो बाकी के तीनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं. हमें not correct बताना था. तो this one is not correct. आप कह सकते हैं this one is not correct. क्योंकि अगर आपने scrap iron की recycling करनी है, तो need to collect would be increased. Which diagram represent the structure of an alloy? D. Yes, this is the structure of a metal. Sorry, ionic compound. This is in the structure of an ionic lattice. This is some giant molecular solid. And this is also a giant molecular solid. Ye aapke paas metal hai, but isme ye aapke paas ek different metal aa raha hai. Different metal aa gaya, so that means ke ye alloy hai. Theek hai, ye alloy ho gaya, so B is the correct answer. Ji, aluminum is higher than copper in the reactivity series. So the following displacement reaction should be feasible. Aluminum reacting with copper sulfate. The reaction does not take place at room temperature. Why is the reason for this? What is the reason for this? Although it is more reactive, but the reaction is not happening at room temperature. What is the reason? Because aluminum has an inert coating all over it. Aapko yaad hoga, it is a self-protecting metal. Aluminum is a self-protecting metal. So it protects itself by forming a layer of oxide. A compound of aluminum sulfate does not exist. No, it is not correct. The reaction is exothermic. Exothermic hoga to more feasible hoga. The reaction needs to be warm to take place. No. Theek hai ji. The gases coming from a car exhaust contain oxides of nitrogen. How are these oxides formed? Oxides of nitrogen, how they form? Yes, nitrogen reacts with oxygen. When nitrogen reacts with oxygen, this form oxides of nitrogen. Okay, so option C is correct. When a volcano erupts, which gas is produced in significant amount? D,
डी सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, तो 32 का डी सल्फर डाइऑक्साइड। चलें जी ऑर्गेनिक पार्ट, कंपाउंड एक्स इज अ हाइड्रोकार्बन, इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म्स एन अल्कोहल, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज एक्स एंड व्हाट कुड बी इट्स इफेक्ट ऑन ब्रोमीन वाटर। X is in hydrocarbon, it reacts with steam to form an alcohol. Yes, obviously alkene हो सकता है, alkane तो react नहीं करेंगे steam के साथ, तो either C है या D है। Then फिर कह रहे हैं what type of compound is X? It is an alkene and what would be its effect on bromine water? Turns from brown to colorless. ठीक है जी, तो C is the correct option. 33 C. Useful fractions are obtained by fractional distillation of petroleum. Which fraction is matched by its use? जी bitumen used in fuel as a fuel in cars? No. Lubricating oil for making waxes and polishes? Yes. Paraffin for making roads? No. Petrol as an aircraft fuel? No. So D is the correct answer. Which statement about ethanoic acid is correct? It contains 3 carbon atoms per molecule? No. It has 2 carbon atoms. It contains 5 hydrogen atoms per molecule? No. Ethanoic acid is CH3COOH. So it has 4 hydrogen atoms. It is insoluble in water? No. Soluble in water. It reacts with ethanol to form a sweet smelling compound? Ester? Yes. ये करेक्ट आंसर। 36. Which bond is present in both nylon and terylene? Nylon and terylene. देखिए nylon में होता है amide link. Amide link क्या है? C double bond O NH. Yes. B करेक्ट आंसर है. ठीक है. तो nylon में ये C double bond O NH आ गया, ये amide link है, this is amide link. Terylene में होता है ester link, C double bond O O, तो ester link में भी आपके पास क्या आ गया, ये C double bond O. तो C double bond O is common in both amide and in both nylon and terylene. ठीक है जी, clear है ये? 36 हाँ जी, 36 clear है सबको? Compound X and Y are both alkanes. Compound X has a higher boiling point than compound Y. X and Y, they both are alkanes. X ka boiling point high hai. What could be the formula of compound X and Y? Obviously, A nahi ho sakta because A mein X alkene hai. B mein X has a higher boiling point. Toh ye smaller hai, ye bhi nahi ho sakta because isme 8 carbons hai, isme 9 carbons hai, no. C, again alkene. D में आप देखें ये nonane alkane है and this is octane alkane है and this would have a higher boiling point. So yes, D is the correct option. 37 D. 4 hydrocarbon structures are shown. Which hydrocarbons are isomers of each other? देखें ए में आपके पास 1, 2, 3, 4, ये इसको आप कैसे बनाए, 1, 2, 3, 4, ये ब्यूटेन है. ठीक है, उसके बाद 2 में देखें तो ये 3, ये 4, दिस इज मिथाइल प्रोपेन, ब्यूटेन एंड मिथाइल प्रोपेन, ये भी C4H10 है एंड दिस इज ऑल्सो C4H10. अगर आप ये थर्ड वाला देखेंगे तो दिस इज साइक्लिक, दिस इज C4H8 और यहाँ पे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही बढ़ गए 5, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो ऑब्वियसली 1 and 2 दे आर आइसोमर्स, सो 1 and 2 ओनली, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है जी, करेक्ट आंसर इज सी.
with which substance will ethene react to form more than one product? With which substance will ethene react to form more than one product? C, oxygen. Because देखें ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन के साथ स्टीम के साथ इन तीनों के साथ इसका रिएक्शन कौन सा है? एडिशन रिएक्शन है. एडिशन में सिंपली क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटा, दोनों कार्बन पे एक एक बी आर एड हो गया, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगी, और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन एड हो गया, एक ही प्रोडक्ट मिलेगी, और दोनों कार्बन पे एक एक एच और एक ओ एच एड हो गया तो एक ही प्रोडक्ट मिल रही है. ऑक्सीजन के साथ वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, 39 का सी. जी क्लियर है ये, 39 क्लियर है सबको? ऑलराइट जी, लास्ट है. व्हेन अ कंपाउंड एक्स इज रिएक्टेड विद सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्वड, व्हाट कुड बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एक्स? यस, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, दैट मींस एक्स इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. ओनली एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड. सो ए इज एन ईस्टर, बी इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, सी इज अगेन एन ईस्टर CO2, एंड दिस इज एन अल्कोहल. क्योंकि हमें ईस्टर चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, सो बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है जी,